नमस्कार, आप देख रहे हैं राधौर की आवाज नवदेश टाइम। पेश है आज की मुख्य समाचार। वोट कार्ड दिए जाने से भड़के ग्रामीणों ने किया एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन। मनरेगा मजदूरों ने जॉब मेट के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर की नारेबाजी। बिजली कर्मचारी की मौत के मामले में अज्ञात निगम कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज। स्थापना दिवस समारोह को लेकर इनसो कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित। अब खबरें विस्तार से। पंचायती चुनाव को लेकर गांव में अभी से तनातनी नजर आने लगी है। सोमवार को दुदला के सैकड़ों ग्रामीण एसडीएम कार्यालय में पहुंचे। यहां पहुंचे ग्रामीणों का आरोप था कि उनके गांव में चुनावी रंजिश के चलते करीब 100 लोगों की वोट काट दी गई है। वोट काटे जाने पर लोगों ने एसडीएम कार्यालय में रोष प्रदर्शन कर नारेबाजी की। रोष जता रहे लोगों का कहना था कि वोट काटने से संबंधित पत्र भी उनके पास पहुंचे हैं, जिसमें यह दर्ज है कि वह गांव के स्थायी निवासी नहीं है। इस आधार पर उनकी वोट काट दी गई है, जिसके चलते आज ग्रामीण एडवोकेट साहब सिंह गुजर के नेतृत्व में अपने स्थायी प्रमाण पत्र लेकर एसडीएम कार्यालय में पहुंचे और दोबारा से वोट बनवाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गांव दूधला के निवासी है, जो यहां तहसील राधौर में पड़ता है। किसी शरारती व्यक्ति ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर या इंचार्ज से मिलकर की वोट कटाने का फरमान जारी करवा दिया। ये आप देख सकते हैं कि फरमान जारी 100 लोगों को हुआ कि आप गांव से बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपकी वोट क्यों ना काट दी जाए। मैं हम ये सारे गरीब लोग अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ, आधार कार्ड के साथ, उसी गाँव के स्थायी निवासी है और वहाँ के लोगों ने भी एक प्रमाण पत्र अलग से दे दिया, शपथ पत्र दे दिया कि ये लोग गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इसी गाँव के रहने वाले हैं, इनकी कहीं पर भी वोट नहीं है, इनकी वोट ना काटी जाए। और आज ये नोटिस जारी कर इनको बुलाया गया था स्पष्टीकरण देने के लिए और आज हमने स्पष्टीकरण दे दिया है। वहीं इस बारे में एसडीएम राधौर सतेंद्र शिवाच ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ ऑब्जेक्शन आए थे, इस आधार पर इन लोगों की वोट काटी गई है। आज इन सभी को अपने स्थायी डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए बुलाया गया था। सभी से डॉक्यूमेंट लिए गए हैं, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन से रिलेटेड एक मुद्दा है, इनके विरुद्ध ऑब्जेक्शन आई थी कि गांव में नहीं रहते, इनके वोट यहां से काटे जाएं, तो इनको बुलाया गया है, इनसे सबूत मांगे जाएंगे कि क्या स्थिति है, उसके जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उपमंडल के गांव बगाना में मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई कर रहे मनरेगा मजदूरों ने जॉब मेट के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर नारेबाजी की। रोष जाहिर कर रहे मनरेगा मजदूरों का आरोप था कि जॉब मेट न तो उनकी पूरी दिहाड़ी लगा रहा है और न ही उन्हें अब तक जॉब कार्ड वितरित किए गए हैं, वहीं उनके द्वारा किए गए कार्य के भी पैसे भी पूरे नहीं दे रहा है। 19 तारीख न आए, हम 4 बजे तक काम करा, इसने हमारे को हाजिर लाई और जी कल हम 12 बजे तक काम करा, बरसात आ गई थी इसकी वजह से कल की नहीं हाजिर लाई रही हमारी। और एक हम जो तले थे मट्टी दे रहे हैं, हमारे 90 फुट माफ कर दे रहे मट्टी, 150 फुट दूर ले जानी पड़ रही है। हमारी मांग तो है भाई, हम सारे जितने भी लेबर वाले हैं नरेगा वाले, भाई इकट्ठे काम कर ले। वहीं इस बारे जॉब मेट ईश्वर सिंह ने बताया कि पेमाइश के हिसाब से ही किए गए कार्य की मनरेगा मजदूरों को पेमेंट की जाती है, लेकिन यह लोग प्रतिदिन के हिसाब से पैसे मांग रहे हैं, यह नियम के विपरीत है। जो मनरेगा मजदूर पुराने हैं उन सभी को जॉब कार्ड दिए जा चुके हैं, वहीं कुछ नए लोग कार्य में जुड़े हैं उनके जल्द ही जॉब कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। बिजली के ट्रांसफार्मर पर कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से 30 वर्षीय संजय की मौत के मामले में पुलिस ने मृतक के चाचा की शिकायत पर अज्ञात बिजली निगम कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में संधाली निवासी जरनैल सिंह ने बताया कि उसका भतीजा संजय कुमार बिजली निगम राधौर में करीब 8 वर्ष से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगा हुआ था। रविवार के दिन भी संजय ड्यूटी पर था। 12 बजे वह राधौर बिजली निगम कार्यालय के बाहर संजय से मिला था। संजय ने उसे कहा था कि रतनगढ़ के पास स्थित रौनकपुर डेरा के यहाँ ट्रांसफार्मर से लाइट खराब हो गई है। लाइट ठीक करने के लिए उसने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर परमिट लिया है। जैसे ही वह अपने गांव पहुंचा तो उसके पास फोन आया कि संजय कुमार को करंट लगा है। वह गांव के कुछ लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। संजय का शव ट्रांसफार्मर के ऊपर बिजली की तारों में फंसा था, तभी पुलिस भी मौके पर आ गई। उन्होंने संजय के शव को ट्रांसफार्मर से नीचे उतारा और एम्बुलेंस की मदद से राधौर के सामुदायिक हॉस्पिटल लाया गया। जरनैल सिंह ने कहा कि उसके भतीजे की मौत बिजली निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान के जयपुर में 5 अगस्त को इनसो के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर इनसो ने जोर शोर से तैयारी कर दी है। समारोह को लेकर सोमवार को राधौर में इनसो द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देसवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर इनसो कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अजय राव के नेतृत्व में प्रदीप देसवाल का फूल माला डालकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रदीप देसवाल ने कहा कि किसी भी कार्य को सफल बनाने में युवाओं की अहम भूमिका होती है। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को जयपुर में होने वाले इनसो स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। हमारे आंदोलन के साथियों बारे में जब सड़कों पर नौजवान साथी खड़े
नाले पर उतरे थे तो एक बड़े राजनीतिक बदलाव इस देश में आए थे, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं केवल भारतवर्ष में मतलब विश्व में कोई भी आंदोलन कोई भी क्रांति जो होती है वह युवाओं के कंधों पर होती है, इसलिए युवाओं की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा हो जाती है। अब युवाओं का कार्यक्रम है, युवाओं की जिम्मेवारी है और 67% वोटर जो है भारत में युवा है। रादौर में आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।